पूर्व जवान हैं, उन्होंने कह दिया कि जब हमारी रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो हम धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करेंगे, चाहे सरकार हम पे गोली बजवाए या हम पे लाठी बजवाए, हम सब ये सहन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे बीच में और भी साथी आई, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी जो मुख्य मांगे क्या हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैंने 5 साल होमगार्ड में नौकरी की है, उसके बाद फिर इन्होंने 5 साल बाद निकाल दिया है। आपको अब कितने साल हो गए निकाले हुए? आप कितना पीरियड हो गया आपको निकाले हुए? 6 साल हो चुका है मैं बाहर निकाले हुए। 6 साल? जी हाँ। तो आपने वो जब आपकी रोजी रोटी चली गई तो आपने कोर्ट का या दरवाज़ा खटखटाया या अधिकारियों जो कमांडेंट वगैरह हैं उन पर आपने गुहार लगाई आपने? ऐसे कोर्ट में तो पहले से केस चले हुए हैं, उनका भी कोई डिसीजन नहीं हुआ था और कोर्ट के डिसीजन को ये लोग मान भी नहीं रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि पुरानों को वापस लो, लेकिन अभी तक किसी को वापसी नहीं हुई है पुराने लड़कों की। केवल 52 लड़कियां हैं जो 2 साल का एक्सटेंशन उन्हें दिया गया था, फिर दोबारा से उन्हें 2 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दे दिया है। जवानों किसी की वापसी नहीं हुई है पुरानों की। तो उन लड़कियों को क्यों लिया गया? जब आपने बोला कि जो 52 लड़कियां ले ली हैं होमगार्ड के अंदर, तो उन्हें क्यों लिया गया, क्या कारण है? ये तो कोई स्पष्ट वजह इन्होंने नहीं बताया किस लिए लिया गया है। पहले भी उन्हीं को लिया था, दोबारा भी एक्सटेंशन उन्हीं का हुआ है, अभी पिछले महीने उनका एक्सटेंशन हुआ है। वो कहाँ पर कार्यरत हैं? 52 जो होमगार्ड की महिला हैं वो किस विभाग के अंदर कार्यरत हैं? वो अलग अलग विभागों में दिए, पुलिस में और जो थाने में हैं, कुछ बाहर हैं अदर डिपार्टमेंट्स में है, वो कुछ ट्रैफिक में है, वो तो डिपार्टमेंट जानते हैं कहाँ कहाँ उन्हें पोस्टिंग दी गई हुई है। तो क्या कारण हुआ आपको निकालने का? कुछ तो एक मुख्य कारण बताया होगा ना कि अगर हम के दवाई लेने जाएंगे तो हम डॉक्टरों को बताएंगे कि हमारे सीने में दर्द है या वो है, तो आपको कोई कारण तो बताया होगा कि हम इसलिए निकाल रहे हैं आपको? देखिए कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जो भर्ती होती है वो दिल्ली बॉम्बे होमगार्ड एक्ट के अंतर्गत होती है, और दिल्ली के अलावा कहीं भी आप पूरे भारत में एक्स का कल्चर नहीं है। सब जगह जहाँ एक बार भर्ती हो गया अब जवान 60 साल तक नौकरी करता है। केवल दिल्ली ही एक ऐसे स्टेट है जहाँ ये 3 साल बाद एक्सटेंशन देते हैं, बाकी कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है। ये एक्स की जो परंपरा है ये परिपाटी केवल दिल्ली प्रदेश में ही है। ये हर बार 3 साल के लिए लेंगे, फिर 2 साल एक्सटेंशन देंगे, 2 साल देंगे, इस तरह से एक्सटेंशन करते हैं, परमानेंट नौकरियां नहीं देते। प्रदीप जी, जैसे कि अभी आपकी बातें नहीं मानी गई तो आप अगला कदम क्या रखेंगे? देखिए पिछले 2.5 साल से हम सत्येंद्र जैन साहब के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार कहते हैं हाँ जी आपका प्रोसेस में है, आपका ये है, हेडक्वार्टर में हम लोग जा चुके हैं, हेडक्वार्टर से इन्हें प्रपोजल आया है, लेकिन जैन साहब ने वो प्रपोजल अभी तक मूव नहीं किया है। तो हमारी यही कोई विशेष मांग नहीं है कि हम कुछ अलग से मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि जिस एक्ट से आप लोग भर्ती कर रहे हो उस एक्ट में जो होमगार्ड है उन्हें तो लो, ये लोग उन्हें लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पुराने होमगार्ड कम से कम अपनी बात पे तो आमादर हो आप, कि जो आपके एक्ट में आ रहे जिस एक्ट से आप भर्ती चाहते हो उस एक्ट में भी तो होमगार्ड के जवान आ रहे हैं एक्स, उनको वापस लो, ये उन्हें भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कुछ होमगार्ड के जो लोग हैं जो वो ओवर एज भी हो चुके होंगे और वो 60 साल पूरी कर चुके होंगे, तो अब उनको कैसे लिया जाएगा? सर ये ओवर एज का जो मामला बना रखा है तो उन्होंने खाली नौटंकी बना, आप देखो हर डिपार्टमेंट में सेवा विस्तार दे रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में जिसकी 60 साल है 65 साल 5 साल का सेवा विस्तार दे रहे हैं। क्या होमगार्ड ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें सेवा विस्तार की जरूरत है उसमें कम करते जा रहे हैं? पहले 60 लेते थे फिर उन्होंने 50 कर दिया, तो हर जगह आप सेवा विस्तार दे रहे हो, यहाँ सेवा घटा रहे हो, जबकि नौकरी भी नहीं तो निष्काम सेवा है। क्या निष्काम सेवा करने के लिए टाइम पीरियड होना है? ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार है।